बॉलीवुड की फिल्म हेरा फेरी तो आपको याद होगा, उसमें अक्षय कुमार राजपाल यादव से पैसा दुगुना करने के नाम पे धोखाधड़ी करते हुए नजर आते हैं। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से सामने आया है, जहां धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक कंपनी के चेयरमैन को 250 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने चीट फंड कंपनी के चेयरमैन को 6,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में यह फैसला दिया है। इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला भी बताया जा रहा है। चीट फंड कंपनी के चेयरमैन के साथ कोर्ट ने सह अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा भी सुनाई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक आरोप है कि चीट फंड कंपनी में 5 साल में पैसा दुगुना करने के लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए का निवेश कराया गया, और जब पैसा देने का समय आया तो कंपनी के डायरेक्टर ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गए। विशेष न्यायाधीश संजय कुमार शाही जी की न्यायालय में जो निरपेक्षों का अधिनियम का मामला चल रहा था सर, एक साईं प्रसाद कंपनी थी और साईं प्रसाद कंपनी के जो चेयरमैन थे बाला साहब भापकर और शेष आरोपी दीप सिंह लखन जितेन और राजेश्वर परमा द्वारा गांव सीहोर जिले के गांव के भोले भाले लोगों को साईं प्रसाद कंपनी में निवेश के लिए उत्प्रेरित किया गया और उनसे निवेश कराया गया। जब निवेशकों को पैसा जब 5 साल बाद मिलना था तो उनको पैसा प्राप्त नहीं हुआ, और जब उनके द्वारा कंपनी में अपने पैसे संपर्क किया गया तो कंपनी में ताले लगे पाए गए और आरोपी गण द्वारा उनको परेशान करते रहे, आज देंगे कल देंगे ऐसा। आज उनको जब पैसा प्राप्त नहीं हुआ निवेश करा हुआ साईं प्रसाद कंपनी में, तो निवेशकों द्वारा थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था और अपराध के बाद भी विवेचना कर माननीय न्यायालय में आरोपी गण के खिलाफ अभियोग पत्र पेश किया गया था। आज माननीय न्यायालय श्री संजय कुमार शाही द्वारा समस्त आरोपी गण को जिसमें बाला साहब भापकर जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनको 420 120B 409 और चिटफंड अधिनियम की धारा 2002 में कुल 25 साल और कुल मिला के 250 साल की सश्रम कारावास और 6,50,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया, और जितेंद्र दीप सिंह लखन और राजेश्वर परमार को भी 420 120B में 5-5 वर्ष को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।